हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो है पेपर टू स्ट्रेटजी की, CAPF 2023। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है जो कि पेपर वन की स्ट्रेटजी है। ये वीडियो पेपर टू की है, जिसमें मैंने बताया था कि मैं लेके आऊँगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें पेपर टू CAPF का एसे से लेके नीचे ग्रामर तक का पूरा बताऊंगा कि किस तरह से पेपर आता है, दूसरा कहाँ से आता है, क्या सोर्स है इसको स्टडी करने के, जो पास्ट ईयर का पेपर आया है उसके सोर्सेस क्या रहे हैं, कि वो सारे एसे, टॉपिक, आर्ग्यूमेंट्स और रिपोर्ट राइटिंग सब कहाँ से आया है, कि हम 23 में किस तरह से या किस सोर्स से स्टडी करें कि पेपर क्लियर हो जाए। ठीक, और ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये अपन लोग भी साथ में स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 1 फरवरी से 1 अगस्त तक, ठीक है। तो अगर जुड़ के स्टडी करनी हो तो मैंने उसका पूरा बता दिया किस तरह से करनी है। मैं इस वीडियो के एंड में दोबारा से बता दूंगा कि किस हम सब लोग साथ में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, कोई मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है, जस्ट अपने बेसिस पे आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। और जो लास्ट ईयर का सोर्स था मेरा, मैंने डाटा निकाला था, उसमें से क्वेश्चन आए थे, उसके बेसिस पे मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। ठीक, तो शुरू करते हैं हम ऐसे से। ऐसे आते हैं 6, जिसमें से हमें 4 करने होते हैं, और इन चारों ऐसे के जो मार्क्स होते हैं वो 80 नंबर्स होते हैं, और एक ऐसे हमें 300 वर्ड में लिखना होता है। समझ गए? तो अब पहले बात कर लेते हैं कि पास्ट ईयर के ऐसे की किस पिलर पे पार्टिकुलर ऐसे आ रहे हैं अभी तक, और हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैंने 2022 से लेकर 2018-17 तक मैंने ऐसे निकाल के रखे हैं प्रीवियस ईयर के। आपके पास कोई दूसरा सोर्स हो, लैपटॉप वगैरह, तो आप पेपर खोल सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आप बाद में मिला सकते हैं। ठीक है, 22 का पेपर मैंने खोल लिया है। फर्स्ट ऐसे है द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये किस चीज़ का ऑप्शन है? एनवायरमेंट का, और ये करंट का है। ठीक है, वट कैन बी डू टू स्टॉप द वार। वार कहाँ चल रहा था? यूक्रेन रशिया में। बट ये IR का क्वेश्चन है, बट इसको बनाया किस तरह से गया कि सोशल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ सिविलियंस मर रहे थे। तो वट कैन बी डन टू स्टॉप द वार्स, वाई स्टॉप द वार्स, मतलब रीजन क्या है स्टॉप वार करने का, क्या इससे दिक्कत हो रही है। तो दिक्कतें क्या हो रही हैं? सिविलियंस मर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये सब सोशल इम्पैक्ट है, ना कि कोई पोलिटिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमन इन द आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज में वुमन का प्रेजेंस बढ़ रहा है, ये किस चीज का क्वेश्चन है? एक तो वुमन एम्पावरमेंट का, कि हमारे देश की लड़कियां और ज्यादा मोटिवेट होंगी इसमें जाने के लिए। ठीक, इक्वालिटी का। ठीक, दूसरा डिफेंस का, कि हमारा डिफेंस मजबूत होगा। तो एक तरह से सोशल इम्पैक्ट कर रहा है ये। हर एक क्वेश्चन मैंने 4-5 साल के पढ़े हैं, सोशल इम्पैक्ट जरूर कर रहा है। तो हमें एक लाइन इनकी फाइंड करनी पड़ेगी कि ये पूछ क्या रहे हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या है, किस तरफ को जा रहे हैं। ठीक है, प्राइस राइज कोज एंड इफेक्ट। प्राइस राइज होगा किस पे इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा तो सोसाइटी पे ना, लेकिन ये प्राइस राइज होता कैसे, गिरता कैसे, RBI करती है, गवर्नमेंट करती है, ये सब आया था इकोनॉमी में। तो हमें इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, बट इम्पैक्ट जो आएंगे वो सोसाइटी पे आएंगे। ठीक है, तो और भी ऐसे पेपर हैं, आप पढ़ लेना। मैं आपको एक जस्ट एक रिव्यू दे रहा हूँ, कि जैसे कि मैंने 2021 का खोला है, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बोर्डिंग इंडिया। ये IR का क्वेश्चन है, समझ रहे हो, डिफेंस का क्वेश्चन है ये। चाइना ने एक टावर बिल्डिंग बनाया, उसका क्वेश्चन नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन डिफेंस और सोशल इम्पैक्ट पे आते हैं, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कौन कर रहा है? वर्क फ्रॉम होम कोई मिनिस्टर कर रहा है, कोई बाबा जी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, सिविलियंस कर रहे हैं, तो सोसाइटी का आ गया नहीं क्वेश्चन। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अनएम्प्लॉयमेंट कौन है? अनएम्प्लॉयड सोसाइटी है ना, एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस पे इम्पैक्ट करेगी? सोसाइटी पे। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सोशल इशू लिखते हैं, पर हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, जो कि करंट की है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो हमें पता होना चाहिए जो करंट में चल रहा है। ठीक है, उन सबको लिख फिर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारे पेपर हैं 4-5 साल के, आप अच्छे से रीड कर लेना। मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ किस तरह से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ये जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं ये सारे करंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमें करंट की तैयारी करनी पड़ेगी, और ये करंट की आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं। मैं पर्सनली विजन IAS की मैगजीन स्टडी करता हूँ पेपर टू के लिए। ठीक, बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो मैगजीन बहुत बड़ी होती है, तो हम कैसे पढ़ें? ठीक है, तो हमने पार्टिकुलर एरियाज फाइंड करने हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मानो पॉलिटी का सेक्शन आता है उसका, फिर IR का आता है, फिर इकोनॉमी आता है, इस तरह से सेक्शन आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि कौन सा टॉपिक सोशल इम्पैक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं आप, उस टॉपिक को पढ़ना है। फिर उससे जो अराउंड में क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमें क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, सब ये करंट का ही डाटा होता है। ठीक, लेकिन हर एक टॉपिक पे ऐसे ही लिखा जा सकता है, और हर एक टॉपिक पे रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती या आर्ग्यूमेंट नहीं लिखे जा सकते। तो एक वो 3 सेक्शन हमें डिवाइड करने पड़ेंगे, किसमें ऐसे आ सकते हैं, किसमें नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब वुमेन इन आर्म फोर्सेज है, इस पर रिपोर्ट क्या लिख सकते हो आप, आपको नॉलेज होगी? नहीं। वुमेन इन आर्म फोर्सेज कौन ले रहा है?
भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है वो सिलेक्शन कर रही है, किस तरह से कोई प्रोसीजर उन्होंने पास किया, तो ये सब प्रोसीजर किस तरह से वो ले रहे हैं कि जानकारी किसको होगी, उन अथॉरिटीज को, तुम्हें तो नहीं हो सकती ना। बट ऑक्सीजन क्राइसिस इन कोविड इन दिल्ली, ये तो न्यूज है, सबको पता है, न्यूज पे आ रही है, सबको पता है, तुम्हें भी पता है, तो तुम इस पर ईजिली रिपोर्ट लिख सकते हो। यूपीएससी है वो सोच समझ के क्वेश्चन पूछेगा, जो तुम्हें आता है, जो तुम जान सकते हो, जिसकी नॉलेज तुम्हें हो सकती है, वही पूछेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे का मैंने आपको बता दिया है कि विजन आईएएस की मैगजीन मैं पढ़ता हूँ, आप कोई भी मैगजीन ले सकते हैं जिस पे आप करंट के टॉपिक तैयार कर सकें, और आप नहीं पढ़ तो अपन लोग 1 फरवरी से जब स्टडी करेंगे तो उसके अंदर मैं सारा का सारा डाटा दिया करूँगा कि आज अपने 5 एस्से ये वाले पढ़ रहे हैं, आज 2 एस्से ये वाले करने हैं, तो हम 6 महीने में 200 से 300 एस्से कवर कर लेंगे, जो कि इनफ है हमारे लिए, ठीक। अब बढ़ते हैं कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर 50 to 60 words हमें लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद मेन बॉडी में 3 से 4 पैराग्राफ हमें लिखने हैं, नीचे कंक्लूजन में भी 50 से 60 words लिखने हैं। ऐसे की लिमिट 1 एस्से की 300 words से ऊपर ना जाए, 280 रह जाए, 270 रह जाए, 290 रह जाए, ऊपर ना जाए, ये याद रखना, ठीक है। हमें जो सेंटेंस है ग्रामर प्रॉपरली यूज करनी है, बेस्ट ग्रामर यूज करनी है। तुम ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज मत करो डिक्शनरी का जो तुम्हें खुद को नहीं आता या खुद के तुम्हें स्पेलिंग में उसमें डाउट हो सकता है, रेदर उसका सिंपल वर्ड यूज कर लो। सिंपल वर्ड करोगे सही तो होगा ना, कम से कम वो डिफिकल्ट से तो सही होगा ना, डिफिकल्ट तो खराब हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। सेकेंड थिंग, ऐसे होता है, ऐसे हमें मालूम है किस तरह से होता है, हमने पहले भी पढ़ा है क्लासेस में, ऐसे पैराग्राफ में होता है, कभी भी पॉइंट्स में मत लिखना। वन मोर थिंग, इंट्रोडक्शन के अंदर हमें नीचे अंडरलाइन नहीं करनी है कि ये हाईलाइट पॉइंट है, इस तरह से नहीं करना, ये बॉडी के काम होते हैं। और इंट्रोडक्शन में ना हमें एक तरह से एक क्यूरियोसिटी जगह देनी है एग्जामिनर के अंदर कि वो पढ़ने पे मजबूर हो जाए नीचे का क्वेश्चन क्या है। सपोज कोई क्वेश्चन आया कि ऐसे लिखो COVID-19 पे, ठीक है, तो पूरा का पूरा डाटा तुम उसमें मत लिख देना COVID-19 के इंट्रोडक्शन में। हमें इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखना है कि रिसर्चर्स हैज फाउंड देयर आर मल्टीपल रीजन टू राइज एंड द ग्रो ऑफ COVID-19, इस तरह से हम, अब वो हमने लिख दिया उसमें बहुत सारे रीजन है, वो बहुत सारी कंट्रीज के ओपिनियंस है कि ये कहां से ओरिजिन हुआ, तो एग्जामिनर के अंदर एक सस्पेंस जग जाएगा कि अच्छा क्या रीजन है, जिसको पता है कंट्रीज जो बता रही है, मुझे नहीं पता, मैं देखना चाहता हूं नीचे कौन से रीजन है, कहां से ग्रो हुआ, क्या इसके इफेक्ट हुए, तो पढ़ने में मजबूर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें लिखना होगा। कंक्लूजन के अंदर अपने रिव्यू दे सकते हो, लेकिन कभी भी नेगेटिव कमेंट मत करना गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ही तुम्हें अपॉइंट कर रही है। एग्जामिनर मान लेगा कि तुम नेगेटिव कमेंट करते हो गवर्नमेंट पे, कल को जब तुम सर्विस में जाओगे तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। या तुम किसी और पार्टी से हो जो तुम मौजूदा रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक, तो कभी भी मत देना, नॉर्मल लिखना। हाँ, तुम एक दो लिख सकते हो वीकनेस, बट ओपिनियन पॉजिटिव होना चाहिए, कंक्लूजन पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है पूरा एससे का, किस तरह से हम एससे लिखना है, कहां से सोर्स हमें लेने हैं, ठीक है, और क्या पास्ट ईयर का सोर्स रहा है जो एससे आए हैं प्रूफ के तौर पे, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग, ठीक। आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, 40 नंबर के मार्क्स की उनकी वैल्यू होती है, ठीक। आर्ग्यूमेंट राइटिंग होती क्या है, लिखते कैसा, ये मैं आपको बताता हूँ, इसका सोर्स क्या है। फिर से आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है जनरली बहस करना, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आया, कोई भी एक टॉपिक ले लो, मान लो फार्मर प्रोटेस्ट ले लो इन दिल्ली, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में 2 से 3 लाइन का इसका इंट्रोडक्शन छोटा होना चाहिए, 2 से 3 लाइन का लिखा। उसके बाद 5 से 6 पॉइंट लिखने, उसके 4 में लिखने, जैसे कि हाँ किसान वहाँ ठंड में बैठे हैं, उनको इस तरह से ये चिंता हो रही है, या फिर उनको इनसिक्योरिटी हो रही है, कल को प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा, वो कहीं मजबूर ना हो जाए कि प्राइवेट को देने के लिए, कभी मंडी बंद हो जाए, ये 4 में तुम कुछ भी ले सकते हो किसानों की तरफ से, ठीक है। जब अगेंस्ट में लिखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से लिखो कि ये लॉ पास हुआ है, ये अच्छा लॉ है, किसानों को समझने की जरूरत है, या उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस बारे में, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक। 5 से 6 लाइन के तुम्हारे 4 होने चाहिए, 5 से 6 लाइन के तुम्हारे अगेंस्ट होने चाहिए, फिर एक कंक्लूजन होनी चाहिए पॉजिटिव चीज, जो कि फ्यूचर दिखाएगी कि धीरे धीरे सब समझ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। तीसरा टॉपिक आता है हमारा रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के 2 क्वेश्चन होते हैं 10-10 नंबर के, जिनकी मार्क्स वैल्यू बनती है 20 नंबर, ठीक। रिपोर्ट राइटिंग का सोर्स क्या रहता है, आते कहाँ, और जो पहले मैंने आर्ग्यूमेंट्स बताए उसका सोर्स क्या है, सबका सब करंट सोर्स है, करंट में जो टॉपिक चल रहा होता है उसकी ही रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो पास्ट ईयर के आप उठा के देखोगे, ठीक है दोस्तों। तो अब रिपोर्ट लिखते कैसे, तो रिपोर्ट लिखने से पहले रिपोर्ट समझ लो, रिपोर्ट होती क्या है, रिपोर्ट इज ए मैसेज, समझ गए, रिपोर्ट इज ए मैसेज टू गिव सम इन्फॉर्मेशन इन अ शॉर्ट वे, ठीक है। 125 वर्ड की एक रिपोर्ट होगी, जैसे कि आप कहीं स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे कुछ लोग आए, दंगा फसाद हुआ, आपको गलत बोला उन्होंने, उसके बाद वो चले गए, ठीक है, और आपको बहुत कुछ लेके गए, बहुत सामान लेके गए, मतलब बहुत सारा मैटर हुआ जो 2-3 घंटे ये मैटर चला। अब 2-3 घंटे मैटर चला, इसको बताओगे तो आप 2-3 घंटे लग जाएंगे, पर आपको क्या करना, आपको इस तरह से बताना होता है कि 125 वर्ड के अंदर वो पूरा इंसिडेंस आ जाए, ठीक। और इसका एक फॉर्मेट होता है, बस 2 चीजें आप रिपोर्ट राइटिंग में याद कर लो कि फॉर्मेट क्या है, और मुझे ऐसे बताना है कि सब कुछ बता दूं मैं,
समझ गए। तो रिपोर्ट राइटिंग के अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो सबसे ऊपर जो टाइटल है वही आ जाएगा कि हाँ जी मुझ पे हमला हुआ, इस तरह से कुछ भी टाइटल ले लो आप, ठीक। उसके नीचे नेम आ जाएगा, नेम ABC लिख देना, XYZ लिख देना, कुछ भी लिख देना, अपना नाम मत लिख के आना। डेट एंड प्लेस आएगी उस दिन का जिस दिन तुम रिपोर्ट लिख रहे हो, यानी कि 6 अगस्त को हमारा एग्जाम है तो 6 अगस्त हम यहाँ डालेंगे, ठीक। तो अब आ जाते हैं हम बॉडी पे। तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर हम 4 या 3 पैराग्राफ में हम उसे बांट सकते हैं कि हमें बॉडी में किस तरह से कहाँ लिखना है, जैसे कि इंसिडेंट्स के बारे में, उसका प्लेस और डेट, ये नहीं कि हम सबसे बाद में लिखते हैं। सबसे ऊपर आता है पैरा 1 में हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बारे में, जैसे जोशी मठ का भी चल रहा है रिसेंटली, इस पे आ भी सकता है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, मतलब ये सब हो रहा है, जमीन धसती जा रही है, प्लेस कौन सा है जोशी मठ, स्टेट कौन सा है उत्तराखंड, और टाइम क्या है, मतलब कब से चल रहा है, 6 मंथ से, 2 मंथ से, 1 मंथ से, ठीक है। उसके बारे में नीचे हम थोड़ा आ जाएंगे सेकंड पैराग्राफ में जोड़ते हुए उसको कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्यों हो रहा है ये, इसके इफेक्ट क्या क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा लोगों पे। इस नीचे फिर तीसरा पैराग्राफ जोड़ते हुए हम लिख देंगे यहाँ पे कि पीपल्स की क्या स्टेटमेंट आ रही है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने क्या प्रोमिसेस किए हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है या ले लिए हैं अभी तक, वो सब हम लिख देंगे। तो एक कंप्लीट रिपोर्ट बन गई है, ठीक है। ऊपर आ गया सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, नीचे रिपोर्ट आ गई, ठीक। इस तरह से हमें रिपोर्ट लिखनी होती है। कभी भी पॉइंट्स में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और रिपोर्ट में कभी भी कंक्लूजन नहीं होता, क्योंकि वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कंक्लूजन कैसे हो सकता है, समझ गए ना ध्यान से। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, क्योंकि जो आप इंसिडेंट्स के बारे में बता रहे हो पहले हो चुका है, ठीक है। ये तो नहीं ना फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंस होगा उसके ऊपर आप रिपोर्ट लिख दो, कभी भी विल का यूज मत करना, क्योंकि विल मतलब ऐसे टेंस का यूज मत करना जो फ्यूचर को दिखाते हो, ठीक। और ये हमने कंप्लीट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग। अब बात करते हैं आगे प्रीसाइज की। प्रीसाइज राइटिंग जो आती है वो 15 मार्क्स की आती है, ठीक है। और इसके अंदर करना क्या होता है, आपको एक बहुत बड़ा लेटर दिया हुआ होता है, उसको कंप्रेस करके वो सेम इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर है उतनी की उतनी हमें छोटा करके लिखनी होती है। बॉक्स बने होते हैं उसके अंदर, एक एक वर्ड, एक बॉक्स में एक वर्ड आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेटेजी की, इसको कैसे पढ़ें। देखो प्रिसाइज राइटिंग सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें, प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। और जब तुम कुछ ऐसे पढ़ो तो एक ना दिमाग में स्टोरी जरूर फाइंड कर लेना। और इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, अपनी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड मत करना कि तुम अपने पास से ऐड कर रहे हो, ठीक। और जो टाइटल दो तुम उसको राइटिंग को, वो बढ़िया होना चाहिए, जो उस लेटर को दिखाए कि हाँ जी ये इसको फो कर रहा है, ठीक है। और जब भी इसको लिखो ना एक पॉइंट पे फोकस मत करना, फोकस करो पूरे पैराग्राफ के, पूरे को कंप्राइज करना है हमें, एक पॉइंट के बारे में लिखे जाओ, बाकी सब छोड़ दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पूरे को लिखना है, पूरी इन्फॉर्मेशन बॉक्स के अंदर आनी चाहिए। अब बात करते हैं पैसेज की और ग्रामर की। तो पैसेज और ग्रामर तुम्हें प्रैक्टिस से आएंगे, प्रैक्टिस करो पैसेज की, ग्रामर भी, ग्रामर की क्लासेस ले सकते हो यूट्यूब पे, बहुत डाटा है, या कोई न्यू लाइट वगैरह आती है वो खरीद लो, जो 9th क्लास की न्यू लाइट मैं पढ़ता था पहले, उसमें टेंस अच्छे से लिखे होते थे, वो खरीद सकते हो आप, ठीक है। तो ये रहा हमारा पेपर 2। पेपर 2 की स्ट्रेटजी मैंने पूरी बता दी तुम्हें, जिसमें मैंने बताया तुम्हें ऐसे रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, इन तीनों के सोर्स, इन तीनों की स्ट्रेटजी। बाकी की स्ट्रेटजी जो है जैसे प्रिसाइज, पैसेज एंड ग्रामर की, वो आपको प्रैक्टिस से करनी पड़ेगी, ठीक। इसके अलावा 1 फरवरी से 1 अगस्त तक हम सब साथ में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें मैं सुबह ही आपको टाइम टेबल दे दिया करूँगा, यूट्यूब पे डाल दिया या टेलीग्राम पे या कहीं भी जहां से आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, वो आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, डे 1 पे वो कंप्लीट करना, डे 2 पे। इस तरह से हम 180 डेज साथ में स्टडी करेंगे, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे, जो 0 पे हैं वो भी कवर कर लेंगे सारा सिलेबस, और जो अच्छे से पढ़े हुए हैं उनके लिए तो ये रिवीजन होगा, ठीक। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम उसका पढ़ेंगे, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी। तो जय हिंद दोस्तों, ये रही आपकी पेपर 2 की स्ट्रेटेजी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो है पॉलिटी लक्ष्मीकांत को किस तरह से पढ़ें हम, कि 20 दिन में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।